बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ एक मैं इसमें खासकर इकामा एक्सपायर वाले भाई, मैं उनको भाई बोलता हूँ क्योंकि मेरा भी इकामा एक्सपायर रहा काफ़ी अरसा, और मदीना शरीफ में हम पकड़े भी गए, जुमा के लिए निकले। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें जो दोस्त अखबार मेरे साथ बैठे हुए गाड़ी में हामी थे, तो शुरता हमें पकड़ कर ले गया और जेल में रखा मदीना शरीफ की। तकरीबन 2 घंटे लगे, उसके बाद हमें छोड़ दिया। और बाद में ये है जी कि जब हमें छोड़ा है तो उस टाइम हमने नमाज जुमे में अभी टाइम था, हम टैक्सी पकड़ी सीधा हरम में, मदीना शरीफ की बात कर रहा हूँ, साथ में आपको एक वीडियो या पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, तो हरम में ही जाकर हमने जुमा पढ़ा था, लेकिन पकड़ लिया था। इकामा एक्सपायर वाले भाई इसलिए बोल रहा था मैं क्योंकि ज़्यादातर कंपनी मुसस्सा आपको पता है इकामा एक्सपायर ही है, तो इसमें हरूब वाले, इसमें भाई ये जो इनको इश्तहारी बोल रहे हैं आप, पाकिस्तान में इश्तहारी बोला जाता है, मतलूब वाले, और इसमें वो भी बंदे शामिल हैं ये बदून कफील, यानी कि साई खास आमल मंजिली वगैरह वाले, या कोई भी ऐसे कंपनी से भागे हुए और बाहर काम। इसमें वो बंदे भी शामिल हैं जी जो डीपोर्ट किए गए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डीपोर्ट इकामा एक्सपायर वालों के मतलब बताता हूँ। डीपोर्ट जो बंदे हैं जी, उनकी तादाद देख लें, इनकी तादाद है 12728 बंदे पिछले 7 दिनों में सऊदी अरेबिया से तरहील यानी कि डीपोर्ट कर दिए गए। इनमें हरूब मतलूब इकामा एक्सपायर बदून कफील वाले सभी आते थे, ठीक है जी। अभी मैं मुखालफा निज़ाम अल इकामा, ये जी 9713 अफराद वो बनते हैं जिनके इकामे एक्सपायर थे और पकड़े गए, जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरा इकामा एक्सपायर था और मैं पकड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया, 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद छोड़ दिया, लेकिन मैं बदून कफील पकड़ा गया, चाहे मेरा इकामा एक्सपायर है चाहे लगा हुआ है, तो मैं भाई डीपोर्ट होऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं ऐसी सूरत में गिरफ्तार हो जाता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर मेरा खास का महीना है और मैं काम को और कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं डीपोर्ट किया जाऊंगा, ठीक है। वो इकामा एक्सपायर वाले इस उम्र में इस तरह आते हैं। हाँ, इकामा एक्सपायर है, आप कंपनी में ही काम कर रखे हैं, तो फिर आपको छूटता पकड़ेगा तो छोड़ देगा, बोलेगा कि अपने कफील के पास जाओ, अपना इकामा लगाओ। और इकामा एक्सपायर के साथ ही मैंने जिजान से जद्दा, कितना सफर है, 1000 किलोमीटर तो बनता होगा, नकल जमाई के ऊपर की एक वीडियो मैंने लाइव वहां से मुकम्मल टूर की आपके साथ शेयर की थी। रस्ते में 2 दफा इकामा चेक हुआ हमारा, लेकिन मुझे छूटते ने पकड़ा नहीं था, क्यों, उसको पता था कि इकामा एक्सपायर है, ये सफर कर रहा है, हो जाता है ऐसा। हाँ, हरूब वाले जो थे उनको उसने उतार लिया था, या नकल जमाई वाले खुद से उन्हें टिकट ही नहीं देते। अच्छा, इसमें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद वाले जो बंदे आ जाते हैं वो है जी 4029 अफराद, और मुखालफा निज़ाम अल अमल 3118 है, इनकी तादाद बड़ी है। ये वो बंदे हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बदून कफील साय खास आमन मंजिली कफील के साथ एग्रीमेंट करके बाहर कुछ काम कर रहे हैं, हालांकि महीना कुछ और है, वो पकड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं बदून कफील के जुमरे में रख कर उनको डीपोर्ट किया गया, यानी कि मुखालफा निज़ाम अल अमल। अगर टोटल की हम बात करें, आपको दिखा रहा हूँ मैं, 16860 बंदे पिछले 7 दिनों में टोटल 16860 बंदे गिरफ्तार किए गए, जिनमें मुखालफा ये निज़ाम अल इकामा, मुखालफा निज़ाम अल अमल और हरूब मतलूब ये सभी इसमें आते हैं।